सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग यहाँ से ही स्टार्ट होता है और अभी हम जा रहे हैं दरवल सोधन में जा रहे हैं अभी हम, ठीक है? तो वहाँ जाके मिलते हैं। और मेरे साथ है सुजीत भाई। ये रहा सैलून जहाँ हम जाने वाले हैं, ट्रू फिट एंड हील। अभी आगे से यू टर्न मारेगा। This is the entrance of saloon. So guys, अभी हम आए हैं यहाँ पर सलून में और देख सकते हो, और यहाँ पर एक दो भाई हैं जो कोई शेविंग करा रहा है, कोई बाल कटिंग करा रहा है, कोई फेस वॉश कर रहा है ना? हो सकता है तो मैं दिखाऊंगा कैमरा में। अरमान मलिक भाई। अरे मलिक नहीं है, क्या है कोर्ट का नाम? अरमान आलम। इज फ्रॉम लंदन। लंदन सच में? लंदन से ट्रेनिंग करके आए। इफ एनीवन हैव अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, मिनिमम सैलरी रिक्वायर्स 75,000। वाह। सो आपका अभी है लुक कैसा है? मेरा हेयर कट होगा, ये हेयर कट ये करेंगे। और अगर आज हेयर कट पसंद आएगा तो आज की 2000 रुपीस बिल। सो गाइस, अभी मैं भी बना रहा हूँ थोड़ा सा हेयर कट, थोड़ा सा हल्का, और हेड मसाज लेने वाला हूँ यहाँ से। सो देखते हैं कैसा होगा, है ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से ली है? हम लोग का ये ट्रू फिट का ही है सर, जैसे ट्रेनिंग अकेडमी है सर हम लोग का। वहाँ ट्रेनिंग होता है सर हम लोग को 2 मंथ 3 मंथ ट्रेनिंग। ऐसे तो मतलब प्रॉपर हम लोग काम मतलब कि सीखे हुए रहते हैं पहले से, बढ़िया जो रूल्स होते हैं सर हम लोग ट्रू फिट का, वाला रूल होता है, रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम लोग एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा बाहर में काम किए तो वो क्या होता है, जैसे नॉर्मल काम होता है ना सर, जैसे अपना मर्जी से क्या कैंपिटेम होता है सर एंड रूल्स होता है, मतलब कितने मिनट में हेड मसाज करना है, कितना मिनट में हमें हेयर कट करना है, फिर हेड मसाज करना है, प्लस स्टाइलिंग कितने मिनट में करना है, मतलब अलग से रूल होता है हम लोग का। जैसे हम लोग का 5 घंटे टाइम है सर हम लोग का हेड मसाज के सर, इसलिए मतलब कि हेयर स्टाइलिंग भी अलग अलग टाइम है। हम लोग रॉयल हेयर कट करते हैं सर, तो उसमें हम लोग का भी 1 घंटा टाइम है सर। रॉयल हेयर कट में क्या करते हैं सर, मतलब उसमें हम लोग रॉयल हेयर कट में पहले हेयर वॉश करते हैं सर, हेयर वॉश करने के बाद स्टाइलिंग में हेयर कट करते हैं सर। हेयर कट करने के बाद सर उसमें हम 15 मिनट का लंबी हेयर मसाज देते हैं सर। आप जैसे कौन सा ऑयल आप चॉइस करें, मतलब आलमंड ऑयल हम लोग भी रखते हैं सर, प्लस की कोकोनट ऑयल ऑयली हुआ है, आपको जो ऑयल चाहिए तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं सर। उसके बाद 15 मिनट करने के बाद सर उसके बाद फिर अच्छे से हॉट ऑयल डिप करते हैं सर। हॉट ऑयल डिप करने के बाद हेड में उसके बाद हम हेयर वॉश करते हैं सर। हेयर वॉश करने के बाद अच्छे से प्रोग्राम में ड्राई करके जैसे आपका स्टाइलिंग करेंगे सर, उसके बाद हैंड सैनिटाइज करके जो ये जो सॉलिड नहीं है, इसका ब्रांच यहीं पर है या अलग अलग? नहीं, इसका ब्रांच पूरा ऑल ओवर इंडिया में सर, इसके बाद ब्रांच बाहर में विदेश में भी। एक्चुअली ये 1805 में हम लोग का कंपनी है सर, हम लोग का जो ओपन हुआ था तो ये हम लोग लंदन में बना है सर, इसलिए इंडिया में आया 2014 में आया है। तो अभी इसलिए मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा सर, ऐसा मतलब कि बेंगलोर में मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, फिर मुंबई में मिलेगा, कोलकाता में, पुणे में, मतलब बहुत जगह ऐसा मतलब ब्रांच हम लोग को जो मिलेगा आपको। इसका नाम तो बता दो सर, उनका नाम प्रॉफिट एंड हील है सर। हाँ।
चलो ओके थैंक यू। सो गाइस आप भी यहाँ आ सकते हो, देखो एकदम बाल बाल मस्त कर दिया, मसाज भी एकदम तगड़ा था। सो देख सकते हो यही है और कोलकाता में है ना, एकदम भाई मसाज वसाज सब एकदम तगड़ा कर देता है। और भाई क्या बताओ, अब थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे मैं है ना, तो फिर बंदा रहूँगा। ये रहा अपना बोलबो, देखो बिल्कुल खतरनाक है गाड़ी, तो हम चलते हैं ठीक है। तो दादा अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं निको पार्क। थोड़ा हमारा भाई आया हुआ है, उसको थोड़ा घुमाने के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। और पीछे में सुजीत भी है, पता नहीं सुजीत किससे साथ बात कर रहे हैं फोन में, सुबह से लगा हुआ है। तो अभी हम लोग थोड़ा भाई को घुमाएंगे, कलकत्ता पूरा घुमाएंगे उसको, देखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में आप सब लोग को मिलते हैं। हेलो गाइस, हम लोग अभी आया हुआ है निको पार्क में, यहाँ पर आया हुआ है भाई को लेके थोड़ा घुमाने के लिए। हम लोग आगे का ब्लॉक में भी बोला था हम पार्क लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, अभी आया है यहाँ पर। अब मेरा भाई कुछ बोलेगा यहाँ पर ब्लॉक में। तो फर्स्ट टाइम मैं भी आ रहा हूँ यहाँ पर, तो हमारे लेके आए मेरे को है ना, तो कैसा होगा। सो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पर निको पार्क में। सो यहाँ पर देख सकते हो, और जो हमारा अश्विन दा है वो अभी गया है टिकट खरीदने के लिए। सो हम अंदर थोड़ी से घूमेंगे आज है ना, थोड़ा सा घूमेंगे और दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पर। और चलो अश्विन दा आ रहा है, मैं उसके साथ सीधा बताऊँगा क्या क्या है, कितने रुपये लगता है यहाँ पर और टिकट का कितने रुपये है, मैं वो बताऊँगा ठीक है। सो गाइस हमने पता कर लिया कि यहाँ का इंच टिकट है 10 गेम भी मिलेगा है ना, 10 राइड भी मिलेगा और 300 रुपये। साइक्लोन मिलेगा, स्काई मिलेगा, बोटिंग है। सो हम किस तारीख को आएंगे फिर यहाँ से करेंगे है ना। सो अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी हमें बस यहीं घूमना आना था। सो ठीक है बनते रहो। सो आज रखते हो निको पार्क में, तो हम यहाँ से हम थोड़ा पूछ कर ट्राई करेंगे ठीक है। है ना दा, कितना खाओगे? चलो देखते हैं कौन ज्यादा खा पाएगा। भैया अच्छे से बनाओगे ना? भैया आपका नाम क्या है? सागर। सागर सौ। सागर सौ भाई एकदम तगड़ा पुचका बना रहे देखो, इतना बड़ा बड़ा। सब लोग आ जाना निको पार्क का, यहाँ पर भैया रहते हैं, भैया मस्त बनाता है, हम आज ट्राई करते हैं। मैं आके भी खाया हूँ, बहुत अच्छा बनाता है भैया। यहाँ पर समीर भाई आया हुआ है, हम लोग का भाई दिल्ली से आया हुआ है पुचका खाने के लिए, सिर्फ पुचका खाने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ मैंने, इतना दूर से आया हुआ है। देखते हैं भैया कैसे बनाते हैं आज। मस्त है। चलो भाई डेमो देने एक बार खा के कैसा है। गाइस अभी हम आए बंगाली स्वीट रेस्टोरेंट में आ गए, सो यहाँ से हम खाना खाएंगे। सो हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हम भूखा है। अश्विन भाई हार चुके हैं इस जेल में। नहीं 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 वो नहीं मिलेगा। नहीं खाओ खाओ। नहीं 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 ऐसे ही खाना पड़ेगा। पूरा 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 नहीं 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 ये अगर आधा खाए तो ये पूरा खाना पड़ेगा, या तो पूरा खाओ, ये एक एक ही खाओ, पूरा खाओ। नहीं 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 पूरा चबा चबा के नीलना है, चबा चबा के नीलना है, चबा चबा के नीलना है। अब चबाओ चबाओ चबाओ, एक बार भी नहीं चबाया बाबा। पेट में जाके जानते कल सुबह पता चलेगा, कल सुबह पता चलेगा। वैसे हमारे खाने में आ चुका है सुरेश भाई, थोड़ा यार जूम हो रहा है, खाते हैं मस्त, इतने से पेट भर जाएगा पक्का। अश्विंदा इतने से पेट भर जाएगा? नहीं नहीं और आ रहा है। चलो चलो हम खा के मिलते हैं ठीक है सीधा। सो गाइस अब हमारा लंच पूरा हो गया, सब लोग ये सब काट देना। ओह माय गॉड, वाओ।
ये है कस्टर्ड और कुछ करके है, आई डोंट नो, बट अच्छा डिश है। समीर इज थिंकिंग खाएगा कि नहीं खाएगा। अभी हमारा बिल भी आ गया है, नाउ वी विल सी। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं सिटी सेंटर में और यहाँ पर हम सिटी सेंटर और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दिया। अश्विन भाई निकल रहे गाड़ी से और यहाँ पर जाके देखते हैं क्या क्या है। और हम ना यहाँ पर क्या करते हैं कि आज ना थोड़ा सा है ना यहाँ एक थोड़ा सा एटीएम में पे करना है। कितने रुपये पे करना है भाई? 10,000 यहाँ पर पे करना है, तो हम पे कर देंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। मज़ा लगा यार, अच्छा लग रहा है। तो हमें फुल अश्विन दादा और सुजीत भाई पूरा घुमा रहे हैं यहाँ पर कोलकाता। कितना टाइम? तो अभी समीर जा रहा है ITC रॉयल बंगाल, इनके ऊपर का छत खुल रहा है। कभी समीर का थोड़ा हाइट बेसी है तो कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आगे सीट में बैठा के हम लोग सनरूफ खोल देते हैं। तो सर ऊपर निकले और अच्छा से उसका नजारा हो। अब सामने का दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हैं ये हयात होटल है, ये कोलकाता बाईपास में चल रहा है गाड़ी। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे अभी ITC रॉयल बंगाल है, जब दिखना शुरू होगा तो आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बैंक्वेट का पेमेंट करने के लिए, पेंडिंग पेमेंट एंड व्यू लेने के लिए कि कैसे काम करेगा। ये रहा होटल, दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा गेट ITC रॉयल बंगाल, ये रहा एंट्री पे चल रहे हैं हम। This is ITC रॉयल बंगाल। मास्क चाहिए अपन को। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं ITC रॉयल बंगाल में आ चुके हैं और देख सकते हो अंदर का एंट्री एकदम मस्त लग रहा है सी। और आज का हमारा जो 20 तारीख का जो एंगेजमेंट है वो यहीं पर होगा, देख सकते हो आप लोग है ना किस तरीके से डिजाइन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है ये सब। यू कैन सी क्या हुआ, 20 तारीख को आपने किया है यहाँ पर बुकिंग। चलो हम यहाँ पर बैठते हैं फिर उसके बाद थोड़ा देखते हैं। किसी का फंक्शन चल रहा है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीधा घर। सो घर से चलता हूं। चलो फाइनली गाइस ब्लॉग आज के लिए यहीं तक है, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में यहीं एंड करता हूं। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।